मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी। गीता जयंती पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। श्रीमद्भागवत जयंती आयोजन समिति के तत्वावधान में 23 दिसंबर को विशाल गीता संदेश मानव श्रृंखला के संदर्भ में श्याम बलराम सिंह जी निवास लाल बंगला में एक आवश्यक बैठक आहूति की गई, जिसमें मुख्य रूप से अमरनाथ जी व मोर मुकुट जी अपने ओजस्वी संदेश के साथ बैठक की अध्यक्षता रवि तिवारी, मुख्य वक्ता दिलीप राजपूत व सीता वर्मा ने अपने विचार रखे। मुख्य रूप से संतोष मिश्रा, मनीष दीक्षित, श्रवण कुमार, रजत भगवान दीन, विनय मिश्रा, अशोक कुमार, विनोद मिश्रा, अमित दिनेश आदि सम्मानित जन उपस्थित रहे। श्रीमद्भागवत गीता जयंती सप्ताह मनाने का आह्वान किया। गीता स्वाध्याय के साथ युवा विद्यार्थी वर्ग विद्यालयों में सामूहिक गीता पाठ, गीता संदेश मानव श्रृंखला के साथ सब परिवार गीता पाठ, मंदिर व मठों में गीता पाठ व अपने नगर गांव एवं निवास पर सामूहिक रूप से दीप यज्ञ दीपोत्सव मनाने का सामूहिक रूप से संकल्प लिया गया। 23 दिसंबर को मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन बलराम सिंह ने किया। स्वैच्छिक दुनिया के लिए संवाददाता दिलीप कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। चल पड़ता है कि यहाँ हमें देना तो कुछ है नहीं, पर हमें सिर्फ लेना ही लेना है। हम ये डाल पाए लोगों के दिमाग में कि हमें समाधान के अगर केंद्र ढूंढने हैं तो गीता के अंदर ही मिलेंगे। पाठ्यक्रम तय करना सरकारों का काम, पाठ्यक्रम के लिए आवाज उठाना हमारा काम। जब एक गीता को और रामचरितमानस को जन आंदोलन के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आज सनातन विश्व में निरंतर सैकड़ों सालों से, हजारों साल से सिकुड़ रहा है। उसका एक ही कारण है कि हम अपनों पर भरोसा न करके थोड़ा बात बोली। अब देखिए, अब आरक्षक वालों का अपने प्रोग्राम रखा है, अब उनमें तो कोई नहीं आया। नहीं हमारे नहीं, अरे आदरणीय बलराम जी, आज आपके निवास पे क्या कार्यक्रम है? आज श्रीमद् भगवद गीता का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में भी मीटिंगें चल रही है, उसी कड़ी में आज हमारे जो यहाँ क्षेत्रीय हमारे सबसे योगीगण हैं, वरिष्ठ जन हैं हमारे, वो सब की आज एक संयुक्त बैठक हमारे आवास पे हुई है। और हमारे बीच में हमारे अनुज और इस मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाले दिलीप राजपूत जी हैं, और हमारे भाई और माननीय रवि तिवारी जी हैं। तो सबसे पहले वरिष्ठ के नाते आज के अध्यक्षता, चूंकि इन्हीं के हाथ ही आज मोर मुकुट जी नहीं आ पाए, अमरनाथ जी भी आज बाहर है, तो चूंकि अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष जी की है, तो सर्वप्रथम अध्यक्ष जी के हमारे आज यही है कि मोर मुकुट जी और अमरनाथ जी का पूरा दायित्व हमें रवि तिवारी जी के पास है। तो आदरणीय रवि तिवारी जी से पहले हम बोलेंगे, रवि तिवारी जी आगे कार्यक्रम को बढ़ाए। रवि जी, क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। आज हम लोग जो आज यहाँ एकत्र हुए हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता जयंती आयोजन समिति के
तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक हम लोग निरंतर जन समाज में जाकर समाज के घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और उस जागरूकता अभियान में हमारी 23 तारीख को पूरे भारतवर्ष में जो अलग अलग तरीके से अपने आयोजन हो रहे हैं गीता जी के लिए उसके अनुसार हम भारत में भी अपने कानपुर क्षेत्र में भी एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत एक मानव श्रृंखला बनाएंगे जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी और आप उसमें देखेंगे कि समाज के समस्त लोगों का अपना अपना सहयोग हमें प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम का मेन मकसद राजनीति से संबंधित तो नहीं है किसी प्रकार से? राजनीति से संबंध नहीं है, भारत सनातनी भूमि का देश है और हम अपनी सनातन व्यवस्था में जितने पहले सुखी रहते थे, कहीं किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, राम राज्य में कहीं वैर नहीं होता था, क्योंकि हम आज जब गीता के माध्यम से और रामचरित माध्यम से अपने घरों को पवित्र करेंगे, अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, अपने क्षेत्र को पवित्र करेंगे, अपने घरों के आसपास के वातावरण में जो उन शुद्ध बहुत धार्मिक अनुष्ठानों को करेंगे तो निश्चित तौर से एक सकारात्मक बुद्धि का हमारा विकास होगा और हम निश्चित तौर से गीता, गंगा, गौ, गायत्री, गोविंद इन सब के लिए समर्पित हो। इस कार्यक्रम के आपने सपा के विधायकों से संपर्क कराया क्या? हमने समाज के हर वर्ग से संपर्क किया है, सिर्फ सपा ही नहीं, हमने कांग्रेसी या उनको न देखते हुए हमने एक मानव को संपर्क किया है, तो गीता समस्त मानव धर्म का ग्रंथ है। थैंक यू।